रोना नहीं पड़ेगा, वहां जाएंगे तो वीडियो दिखाएंगे बेटा नहीं हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये सुबह ही का मॉर्निंग का टाइम है, बिल्कुल 7 बज रहे होंगे उसका टाइम। तो हम घर से निकल लिए ग्वालियर के लिए। तो आप देख सकते हो रास्ते में इतनी सारी गाय मिली, बहुत ज़्यादा निकल रहे। उसके बाद में हमने एक वीडियो शूट कर लिया, तो बस रास्ते में ही चल रहे हैं। ये रास्ते का व्यू है जब हम काम से चलते हैं। तो बस अभी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, तो हम जा रहे हैं ग्वालियर। बच्चों के स्कूल चालू हो गए हैं, तो बस निकल लिए हैं। और अब तो दोस्तों, ब्लॉग में एंड तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आज मुझे सुबह से शाम तक का पूरा सफ़र आज ही तय करना है। आप देखना ब्लॉग में कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं, तो आपको वीडियो में ज़रूर पता चलेगा कि हम कहाँ गए, कैसे गए, कौन कौन गया था, पहले हम कहाँ गए, क्यों गए। तो बस सब कुछ पता चलेगा, बस एंड तक ज़रूर बने ना। तो देखना, बस ये ग्वालियर का हाईवे वाला पुल, आपका पड़ेगा वाला पुल आ चुका है। अब तो हम बस ग्वालियर में टिकट लिए हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा उस पर लिखा हुआ है विक्रांत यूनिवर्सिटी ग्वालियर। तो ये है पुल जहाँ से गाड़ी होती है बाईपास, तो आप देख सकते हो। और कम से कम हम काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम पहुंच चुके हैं घर। और घर इतना सारा गंदा, धूल हो गई थी पूरे सारे घर में बहुत ज़्यादा से। तो बस मैं आई हूँ, यहाँ पूरा सफाई कर दिया है, धुल दिया है पूरा हॉल, अंदर से रूम में पोछा लगा दिया था, तो सारे धुल दिए थे। वैसे तो मैंने आंटी से बोल दिया था नीचे से, वो पौधों में पानी डाल देती थी, फिर भी यहाँ थोड़ा थोड़ा सूख गए थे, टमाटर सारे सूख गए थे। आप देख सकते हो कि 3 टमाटर पके हुए लगे हैं, और घर में भी टमाटर नहीं है। तो मैंने रागिनी को बोल दिया है कि आप रागिनी इसी से तोड़ लो, क्योंकि अभी बनाने वाली है रागिनी पोहा। और क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी ली नहीं हमने, तो मैंने कि तब तक पोहा बना लो और फिर खा लो, फिर देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद सब्ज़ी बना लेंगे। तो बस रागिनी ने, आप देख सकते हो, क्योंकि मार्केट तो हम गए नहीं है, सीधे घर ही आए थे, तो बस सब्ज़ी भी नहीं थी और प्याज वगैरह तो सब रखी है घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टमाटर आगने ने आज घर में ही, आज कुछ मेहनत का फल तो मिलना ही था, तो बस हमने ये पौधा लगा दिया था, तो टमाटर तोड़ लिए। और अभी भी उसमें 2-3 टमाटर पके हुए लगे हुए हैं, तो अभी तोड़े नहीं हैं, बाकी छोड़ दिए हैं, 2 टमाटर तोड़ लिए हैं। तो बस रागिनी यहाँ बना रही है पोहा, और रागिनी ने इतनी टेस्टी पोहा बनाए, इतनी टेस्टी बनाए, बहुत ज़्यादा, जैसे बिल्कुल मार्केट में बनते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही पोहा उसने बनाए। और आप देख सकते हैं ना प्रोसेस, देखते रहना कि कैसे वो बना रही है। और काफ़ी अच्छे टेस्टी लगे थे साले मसाले वगैरह डाल के, और जैसे अपन लोग बनाते हैं किचन में वैसे पोहा उसने नहीं बनाए थे, अलग तरीके से बनाए हैं उसने पोहा, जैसे बिल्कुल मार्केट में जो ठेले वाले पर मिलते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाए थे। तो बस वीडियो बन देखते रहना, आप देख लेना किस तरीके से वो बना रही है पोहा। रुकेगा।
amazing. टाइम था और हमें आ गए थे गन्ने का जूस पीने के लिए, तो गन्ने का जूस पी लिया, उधर से सब्जी वगैरह भी लेके आ गए थे। और यह बिल्कुल जस्ट मॉर्निंग, सुबह के 5 बज रहे हैं और हम निकल लिए हैं गांव जहां हमें जाना था वहां उधर के लिए निकल रहे हैं मैं और पवन दोनों। और आप देख सकते हैं तो बस ट्रेन से निकले थे और काफ़ी लंबा सब हो गया था, बहुत खुश भी थी हमें बस से और ट्रेन भी हम तो वहाँ से ट्रेन ने हमें उतार दिया था जोरा से, फिर हमें मिल गया था ट्रैक्टर में बैठ के गए थे हम लोग। तो आप देख सकते हैं पवन बहुत हंसी मजाक कर रहा था, पहले तो पूछ ही नहीं रहा था कि कहाँ जाना है कहीं नहीं, तो उससे तो मैंने ही पूछा था क्योंकि फिर हमें उतार सकते तो साधन नहीं मिलने वाला था, तो हम ट्रैक्टर के अंदर ही बैठ गए दोनों भाई। अरे दोस्तों कितना सारा पैदल चलना पड़ रहा है आज का सफ़र, इतना पैदल किया है बहुत ज़्यादा, सुबह 6 बजे के 5:30 बजे के निकले हुए हैं घर से, अभी तक अभी पहुंचे नहीं हैं। उधर पवन जा रहा है आगे आगे, इधर हम जा रहे इधर। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं घर पे, और घर पे जाने में मैंने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि घर जाते हैं तो बातों में लग जाते हैं। और इधर रियांशी नहा रही है, आप देख सकते हो आराम से नहाती रहती है वो, ज़्यादा परेशान नहीं करती। और इधर मम्मी घी गर्म करनी है, तो बस मैं भी मम्मी से बोल रही हूँ आप कर लो और मैं भी नहा लेती हूँ क्योंकि हमें निकलना है मनीषा के यहाँ और फिर मुझे रिटर्न भी होके जाना है, तो बस मैं नहा धो लेती हूँ और बस तैयार हो लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मिलते हैं आप लोगों से। और बस मम्मी मुझसे यहाँ बात ही कर रही थी तो मैंने ठीक है मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ, तैयार लेट हो रहे हैं फिर रियांशी और रियांशी चलो भाई बाय करो बाय प्रत्यांश चल दो है रोना नहीं पड़ेगा वहां जाएंगे तो जाएगा जब वीडियो दिखानी है बेटा नहीं तो ऐसी होता नहीं कि मत बनाएगा यार बेइज्जती है यार कहीं को बेइज्जती होगी बेइज्जती कहीं जा में तो सही बता रहा है जा के क्या जा क्या सब पीछे पर रोए के जो प्रत्यांश भी जा रहा है आज है जा चलो डगर आई ले मैं ना जा रहा के तुम तो जी है ये का है का है स्कूल तो जे है सामने तो गाइस बस हम पहुंच चुके हैं मनीषा के यहाँ, और मनीषा के यहाँ पे थी मनीषा की अजिया मतलब दादी सास की 13वीं थी, तो बस उसी में हम गए थे हम लोग। तो ये सब खाना बना था निमंत्रण में और काफ़ी टेस्टी खाना बना था, बहुत अच्छा, तो आप देख सक सुन सकते जी कहाँ जागे जी वीडियो लात लात का पर जी जी के जागी तो जागी
आरती भाभी ले सिलिंदा फोन में। तो दोस्तों बस यहाँ बहुत टाइम हो गया था, हमने सबसे बातचीत की, सब काफ़ी देर बैठे रहे थे, खाना खाया और अब चलने का टाइम हो गया। तो यहाँ मंजिस भी आ गया और मंजिस हमारा ऐसे ही हंसी मजाक वाली बातें करता था, बस सब लोग खड़े खड़े यहाँ हंस रहे हैं उसकी बातों पे, वो बातें इसी टाइप की करता है। तो बस अब निकल रहे हैं क्योंकि हमें रिटर्न होके जाना है ग्वालियर, काफ़ी लेट भी हो जाएंगे इस वजह से हम जल्दी निकल लिए। और मनीषा भी बहुत खुश हो गई, कह रही थी कितने दिनों में आज खुश हुई हूँ मैं, नहीं तो ऐसी परेशान सी थी। और हम सबको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अच्छे से। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हेलो।